सर्वप्रथम जो है गेहूं के उत्पादन में जो मिट्टी हमारी होनी चाहिए, दोमट से लेके बलुई दोमट मटियार दोमट तक भूमि जो है इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और जो मृदा का जो पीएच मान होता है जो 7 से लेकर 7.5 होना चाहिए, और जल धारण क्षमता उस मृदा में अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो कि जो किसान भाई हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई जहाँ पर लंबी अवधि की धान होती है तो पुरानी ओदी में ही वो बोते हैं, तो आप इसको ध्यान सुनिश्चित कर लें कि पूरे खेत में नमी प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि आप बुआई कर रहे हैं तो जमाव आपका अच्छा हो। अगर थोड़ी भी नमी आपके प्रक्षेत्र या फार्म पे या फील्ड पे कमी होगी तो उसको आपको अंकुरण यानी जर्मिनेशन को प्रभावित करता है, तो अंकुरण आपका कम होगा तो आपको दिमाग में कई तरह की आती है कि कहीं बीमारी तो नहीं लग गई है, अंकुरण कम हो रहा है, तो वो कहीं बीज तो खराब नहीं है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें कि नमी आपके खेत में प्रॉपर हो, जिससे कि आपका जो अंकुरण है वो आपका अच्छा हो। इसी के साथ साथ जो है आपको मैं बताना चाहूँगा, जो बीज हो वो आपका बीज की जो गुणवत्ता हो वो बहुत अच्छी हो, साफ हो, सुथरा हो, खरपतवार रहित हो, कीट उसमें न लगे हो। तो आप जो भी बीज ले रहे हैं, बहुत सारे भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के जो संस्थाएं हैं, जैसे आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की परिषद के बहुत सारे संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो वहाँ पे जो बीज उत्पादन हो रहा है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी बीज आप ले रहे हैं तो आधारी या प्रमाणित बीज का आप प्रयोग करें, जिससे कि क्या होता है कि आधारी और प्रमाणित जो बीज होता है तो उसका जो अंकुरण प्रतिशत होता है वो 85% होता है, और उसकी जो शुद्धता होती है वो 98% होता है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें कि जब भी आप बीज ले रहे हैं तो उसके साथ बिल भी लें, जिससे कि अगर कल को कोई बात होती है तो आप उसको जो है दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ किसान भाई जो बीज दर है, आप देखे होंगे कि जो समय से हम बुआई करते हैं उसमें 80 से 100 किलोग्राम लगता है, और जो पछेती हम करते हैं तो 20 से 25% उसमें जो है हम बढ़ा देते हैं, यानी कि 120 से 125 किलोग्राम जो है बीज दर की ज़रूरत होती है। यदि किसान भाई अपना बीज लगा रहे हो और जर्मिनेशन 85% से कम है तो थोड़ा सा उसमें बीज दर बढ़ा के डालें, जिससे कि आपका अंकुरण प्रभावित न हो और अच्छा अंकुरण हो। तो इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगा किसान भाई कि क्योंकि आप पछेती बुआई करते हैं तो हम लोग जो आपको बताते हैं कि जो गेहूं की बुआई आप करें पंक्तियों में करें या कतारों में करें। कतारों में करने से क्या होता है कि एक तो जो भी अंतःसस्य क्रियाएं आप करते हैं, चाहे आपको खाद देना हो, चाहे खरपतवार नाशी का प्रयोग करना हो, चाहे पानी का प्रयोग करना या सिंचाई देना हो, तो उसमें आपको फसल को जो है नुकसान नहीं होता है आपके, क्योंकि बहुत सारा देखेंगे कि छिटकवा से आप करते हैं तो जहाँ जहाँ पैर पड़ता है वहाँ हमारी फसल को नुकसान होता है। तो इसको आप ध्यान में रखें कि कतार से कतार की दूरी जो है आपको जो है 15 से 18 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और बीज की गहराई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर रखना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गेहूं की बुआई या कोई भी फील्ड क्रॉप्स की जो आप बुआई करते हैं, बीज उपचार जो सीड ट्रीटमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो बीज उपचार जो फफूंदी नाशक दवा आती है आपकी जो है कार्बेंडाजीम या बावेस्टिन नामक एक दवा आती है जो 2 से 2.5 किलोग्राम लगता है, अगर ये नहीं मिलती है तो थायरम आप ले लीजिए, एग्रोजानसियन ले लीजिए, और इसकी भी मात्रा जो है 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज में लगाकर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैव उर्वरक, क्योंकि गेहूं की फसल है तो इसमें जैव उर्वरक भी आते हैं, जैसे आपका जो है एजोटोबैक्टर है, आपका एजोस्पिरिलियम है, वैम है। तो एजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलियम जो है आपका जो है 200 ग्राम का पैकेट आता है, और इसका जो फफूंदी नाशक दवा के उपचार करने के बाद 25 से 30 मिनट बाद इसका उपचार करेंगे तो इससे ये होगा कि अगली फसल जो भी आप लेंगे तो उसमें नत्रजन की मात्रा की आप बचत कर सकते हैं, क्योंकि जैव उर्वरक आपका एक पैकेट जो है 20 रुपये का मिलता है और 1 एकड़ के हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप जरूर ध्यान दें कि जैव उर्वरक से एक तो वातावरण नहीं प्रदूषित होगा, पर्यावरण नहीं प्रदूषित होगा, और आपका जो मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो भी बढ़ेगी। तो इसको आप जरूर ध्यान दें कि क्योंकि जैव के रासायनिक के साथ साथ जैव उर्वरक का भी आपको प्रयोग करना है। और इसी के साथ साथ जैसे कहीं के पे देखने में आता है किसान भाई कि जहाँ पे दीमक जो टर्माइस की जो समस्या है, तो उसके लिए एक क्लोरोपाइरीफास नामक दवा आती है, उसका जो मात्रा होती है आप 600 मिलीलीटर मात्रा आप ले लें,
और गेहूं का जो 125 किलोग्राम बीज पे इतनी अच्छी तरह से उसको मिला दें जिससे कि आप बुआई करते समय जो है तो उसमें दीमक का नुकसान ना हो। और इसी के साथ साथ कुछ जो पछेती बुआई के लिए उन्नतशील प्रजातियां हैं जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से निकाली गई है या अनुमोदित की गई है, तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ प्रजातियां जो है इतनी अच्छी है कि आपको जो है 40 से 45 कुंटल औसत उत्पादन मिल सकता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से प्रबंधन करेंगे तो आपको 50 से 55 कुंटल भी मिल सकता है। औसत 40 से 45 कुंटल अगर आपको लेना है तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो प्रजाति है HD3018 है, HD3167 है, HD3069 है और HD3117 है। इसी के साथ साथ कुछ और प्रजातियां हैं जो हमारे संस्थान से निकाली गई हैं, HD3118 है, HD2985 है, HD2643 है, HD2864 है, HD2824 है और दूसरी वैरायटी एक आपकी है HI1563। इसमें खास यह है किसान भाई कि थोड़ा भी अगर फरवरी मार्च में तापमान आपका बढ़ता है तो HI1563 में अप डाउन तापमान होता है तो उसको सहने की क्षमता होती है। दूसरी अगर आपको अति पछेती बुआई करना है, यानी कि दो वैरायटी ऐसी है कि अगर 25 दिसंबर तक भी अगर नहीं बुआई किए हैं तो उसको अगर आप 8 से 10 जनवरी तक भी बुआई कर देते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा उत्पादन, करीब 35 से 40 कुंटल आपको औसत उत्पादन मिलेगा। जो प्रजाति का नाम है WR544 या गोल्डन गेहूं के नाम से जाना जाता है। और एक है कानपुर विश्वविद्यालय की प्रजाति उन्नत हलना, जो कि आप ये दोनों वैरायटी अति पछेती के लिए है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ वैरायटी जैसे राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की है, जैसे राज 3765 है, राज 3077 है, DBW14 है, DBW16 है, ये प्रजातियाँ PBW373 है, PBW154 है, HUW234 है, UP2425 है, UP जो है 2338 है। तो ये प्रजातियां जो है आप किसान भाई उन्नतशील प्रजाति है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हम बताना चाहूँगा कि किसान भाई जो है छिटकवा विधि न करें, और इसके लिए बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जैसे सीड ड्रिल है, जीरो टिलेज की बुआई के लिए है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, तो इससे भी आप बुआई कर सकते हैं। क्योंकि बुआई जो है हम देखते हैं कि हमारे उत्तरी भारत में जो तीन तरह से करते हैं, एक तो जो है आप नॉर्मल जो सोइंग करते हैं जिसको कन्वेंशनल हम लोग बोलते हैं, दूसरा मेड़ों पर आप जो बुआई करते हैं, तीसरा आप जीरो टिलेज के थ्रू करते हैं जो बिना जुताई किए जो आप बुआई करते हैं। तो बिना जुताई किए बुआई से आपको ये फ़ायदा होगा कि कम से कम जो है आप 3500 से 4000 रुपये की जो है उसमें बचत कर सकते हैं। और जहाँ पर मेड़ों पर हम बुआई की बात करते हैं तो मेड़ों पर करने से आपको ये होगा कि सबसे बड़ा उसमें है कि 25 से 30% आपकी पानी की बचत होगी और उसमें गेहूं का उत्पादन आपका अच्छा मिलता है। और किसान भाई सबसे बड़ा आपको मैं बताना चाहूँगा उर्वरक प्रबंधन, जो फर्टिलाइजर की हम बात करते हैं, तो किसान भाई अगर असंभव हो, क्योंकि आप देखेंगे हर जिले पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो मृदा का परीक्षण कराने के बाद ही आप उसका प्रयोग करें। क्योंकि आपको मृदा परीक्षण कराने से ये मालूम हो जाएगा कि आपके खेत की जो क्या स्टेटस है, क्या उसमें जो है कौन से तत्व की कमी है, तो उसके बाद जिस तत्व की आपके फील्ड के अंदर कमी है या प्रक्षेत्र पर कमी है उसी का आप प्रयोग करिए। अगर नहीं आप किए हैं तो उसके लिए जो नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा होती है, नत्रजन की 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से, फास्फोरस जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से और पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई बुआई के समय जो नत्रजन की मात्रा होगी जो है 50% लेना है आपको, और उसके साथ फास्फोरस और पोटास को जो है बुआई के समय एज ए बेसल के रूप में आपको देना है, जिससे कि बाकी जो 50% नत्रजन की मात्रा है पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के बाद आपको देना है। कहीं कहीं पर देखने में आया है कि जहाँ पे जिंक की कमी हो वहाँ पे किसान भाई अगर आप परीक्षण कराए हो और नहीं कराए हो तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जिंक सल्फेट का आप स्प्रे कर सकते हैं। और बेसल के रूप में अगर नहीं दिए हैं तो उसके लिए आपका ये भी है कि जैसे फसल आपकी 30 से 35 दिन की हो जाए तो उस पर 0.5% का पर्णलीय छिड़काव आप जो है 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव आप कर सकते हैं। तो
तो इससे जो जिंक की जो समस्या है वो आप निदान पा सकते हैं। कहीं कहीं पर देखने में मिलता है किसान भाई कि सल्फर जो होता है इसकी भी कमी हो रही है, तो आप बुआई के समय अगर सल्फर आपके फील्ड के अंदर कमी है तो 20 से 25 किलोग्राम सल्फर की मात्रा बेसल डोज के रूप में आप जरूर प्रयोग करें, जिससे कि आपका फसल अच्छी हो। क्योंकि हम बात करते हैं संतुलित उर्वरक की या समन्वित पोषक प्रबंधन की, तो उसमें सारे चीज़ों का होता है। यदि संभव हो किसान भाई, अगर आपके पास गोबर की खाद हो या बर्मी कंपोस्ट की हो या नाडेप की हो, तो कम से कम जो है 10 से 12 टन जो है आप बर्मी कंपोस्ट या FYM के रूप में गोबर के खाद में आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बुआई के 25 से 30 दिन पहले आपको करना है गोबर की खाद। इसी के साथ साथ जो खरपतवार, क्योंकि गेहूं के खेत में आप देखेंगे खरपतवार प्रबंधन बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए जो है आप देखेंगे कि केवल खरपतवार के द्वारा जो है करीब करीब 36% हमारा नुकसान हो जाता है। तो गेहूं के खेत में जो मुख्य खरपतवार आप को है किसान भाई, गेहूं का मामा या कहीं पे गुल्ली डंडा भी बोलते हैं जिसको फेलिस माइनर हम लोग बोलते हैं, मोथा है, चटरी मटरी है, बथुआ है, हिरणखूरी है, सैंजी है, तो इस तरह की जो है जंगली मटर है, तो इस तरह के जो खरपतवार हमारे गेहूं के फसल में बिना बुआई किए उग आते हैं, तो इसको नियंत्रण करने के लिए आपको जो है खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। और खरपतवार नाशी का प्रयोग मैं देखता हूँ बहुत सारे किसान भाई जो है 40 दिन पर 50 दिन पर जो है आप इसका प्रयोग करते हैं, तो इसको इतने दिन पर न करें। इसके लिए जो आपका 25 से 30 दिन के बाद जो है आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि ये जो है पौधों से जो आप गेहूं की फसल है उसमें पोषक, नमी, प्रकाश, और उसके लिए जो है ये कंपटीशन करते हैं गेहूं के फसल से खरपतवार, तो इसको नियंत्रण आप देखेंगे। आपको बता दूं कि खरपतवार से गेहूं के फसल में जो है करीब 47% नत्रजन, 42% फास्फोरस और 50% पोटास का जो है ये शोषण करते हैं खरपतवार। और इसी के साथ साथ जो है 24% आपका मैग्नीशियम और 39% कैल्शियम का करते हैं, तो इसको जरूर ध्यान, क्योंकि खरपतवार के खेत में है तो उससे कीड़े मकोड़े भी आपके खेत में आएंगे, तो उससे भी आपको नुकसान होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि खरपतवार रहित हो हमारा खेत। और इसको नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी खरपतवार नाशी आपकी जो है टोटल है, सल्फोसल्फुरान है, सल्फोसल्फुरान प्लस मेट सल्फुरान है, तो इस तरह के जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्लोडनोफाफ है, 60 ग्राम मात्रा लगता है और 30 से 35 दिन बाद आप इसका बुआई के प्रयोग कर सकते हैं। इसी के तरह फिनाक्सीप्राप इथाइल है, ये 100 से 120 ग्राम आपका लगता है और ये भी 30 से 35 दिन बाद आप इसका जो है छिड़काव खरपतवार नाशी के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आइसोप्रोटान भी पहले प्रयोग किया जाता था, इसका भी आप 1 से 1.5 किलोग्राम जो है 30 से 35 दिन बाद, और एक आप ध्यान रखें कि पेंडीमिथिलीन खरपतवार नाशी है, लेकिन इसको जब प्रयोग करें बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, क्योंकि ये इसका जो प्रयोग हम करते हैं बुआई के अंकुरण से पहले यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर आप करिए, और 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है कुछ जौ की है प्रजातियां जो किसान भाई अक्टूबर में आप बुआई किए हुए हैं, तो जौ में जो है क्योंकि वो कम से कम जो अगर आपके पास एक सिंचाई की साधन है तो 30 से 35 दिन बाद आप दीजिए, अगर आपके पास दो सिंचाई का साधन है तो पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद दीजिए, दूसरी सिंचाई जो है आप जो है 40 से 45 दिन बाद आप दे सकते हैं। बाकी शेष जो नत्रजन सिंचाई के बाद है वो मात्रा जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जो है अगर इसमें खरपतवार की समस्या होती है तो जैसा कि मैंने पहले गेहूँ में बताया है खरपतवार नाशक उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है जो इसी के साथ साथ कुछ दलहनी हमारी फसल है जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसमें भी आप देखेंगे क्योंकि जो चना होता है वो संचित जल से पूरी हो जाती है, इन केस अगर नमी के अभाव में तो उसके लिए जो है जाड़े के समय वर्षा नहीं होती है, तो किसान भाई आपको जो है पहली सिंचाई 40 से 45 दिन पर करनी है और दूसरी सिंचाई 70 से 75 दिन पर करती है अगर बारिश नहीं होती है। और ये ध्यान देखिए बहुत सारे जगह देखा गया है कि फूल आने की अवस्था में चने की फसल में किसान भाई सिंचाई न करें, क्योंकि सिंचाई अगर उसमें आप करते हैं तो एक तो वनस्पति की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, दूसरा जो भी आपके फूल हैं वो आपको गिरने लगते हैं। इसी के साथ साथ अगर संभव है, अगर आपके पास साधन है,
तो चने दलहनी फसल में स्प्रिंकलर का सबसे बड़ा रोल है, जो जिससे कि आपको उत्पादन, अगर चने जो भी दलहनी फसल है किसान भाई, उसमें अगर 20 से 25 दिन के बाद एक निराई गुड़ाई कर दें तो वो फसल के लिए क्या होता है कि एरेशन होता है, एरेशन होता है तो जड़ों का विकास और पौधों का विकास बहुत ही अच्छा होता है। इसी के साथ साथ जो है कुछ ऐसी हैं, आप देखेंगे 35 से 40 दिन के बाद चने की फसल में जो शीर्ष कलिकाएँ होती हैं, अगर आप उसको तोड़ दीजिए तो उससे आपको क्या होगा कि जो शाखाएँ हैं प्राइमरी और द्वितीय सेकेंडरी जो शाखाएँ हैं वो आपकी बहुत अधिक हो जाती हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है एक ये भी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान से जो है अनुसंधान या खोज किया गया है कि उसमें जो है फली बनते समय 2% यूरिया या DAP का अगर छिड़काव आप करते हैं तो समुचित पैदावार जो है आपको दलहनी फसल की मिलती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे चने की फसल में अगर किसान भाई झुलसा रोग की समस्या आती है तो उसके लिए 2 किलोग्राम जो है मैग्नीज कार्बामेट जो है प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी मिला के 10 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करें। इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे मटर है, मटर में जो है रतुआ है, चोंडली आसिता है, अगर ये आपको दिखाई देता है तो एक जो है सल्फेक्स नामक दवा आती है 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से 600 से 800 लीटर पानी में मिला के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, और 15 दिन के अंतराल पर कम से कम 2 से 3 छिड़काव जो है आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और इसमें लगता है चुनली ये आसिता, तो ये भी मटर में लगती है, और इसके लिए जो आप जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कार्बेंडाजिंग नामक दवा आती है जो फफूंदी नाशक होती है, ये फंगस के द्वारा लगता है, तो इसकी आप मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर में लेके आप इसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ एक और बीमारी आती है रतुआ बीमारी जो पहले बताया, इसके साथ अब मैंकोजेब का है 2 किलोग्राम, या इसके जहाँ डाइथेन M45 का जो है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप इसको भी छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इस समय सरसों की फसल जो तिलहन में आती है और इस समय जो है खेतों में फूल भी आ रही हैं, यदि किसान भाई किसी परिस्थितियों में आप सरसों की बुआई करना चाहते हैं और नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए 2-3 प्रजातियां हैं हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से निकाली गई है, जैसा कि पूसा मस्टर्ड 25 है, पूसा मस्टर्ड आपका 26 है और पूसा मस्टर्ड 28 है, आप इसको लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे जो है बुआई करने के लिए अभी आपका जो है और इससे कम समय में आपको अच्छा भी उत्पादन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसा है जैसे दिसंबर के सप्ताह में क्या होता है कि तापमान में गिरावट होती है तो उसमें आपको पाले की संभावना रहती है, तो इसके लिए एक तो आप है कि समय समय पर आप सिंचाई करते रहें, खेत के अंदर नमी है तो उसमें पाले को आप नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है एक मिथाइल सल्फो ऑक्साइड का जो है 0.2% या 0.1% थाई यूरिया एक आती है, इसका आप जो है पंडलीय छिड़काव कर सकते हैं और इससे पाले का आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है आपको सिंचाई, अगर किसान भाई आपके पास सरसों की फसल में एक सिंचाई की व्यवस्था है तो 50 से 60 दिन पर आपको देना है, अगर आपके पास दो सिंचाई की व्यवस्था है तो पहली सिंचाई 40 से 50 दिन पर, दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिन पर देनी है। अगर आपके पास 3 सिंचाई की व्यवस्था है किसान भाई सरसों की फसल के लिए तो पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पर देना है और बाकी 2 सिंचाई 30 से 35 दिन के अंतराल पर आपको करना है, और इससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिल जाएगा। आपको बता दें कि सरसों की फसल में सबसे बड़ा जो है आपका जो माहू, ये सबसे बड़ा जो है नुकसान करता है। ऐसे तो आप देखेंगे करीब जो है सरसों की फसल में 3 दर्जन से अधिक जो है हानिकारक कीट लगते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से माहू और आरा मक्खी है जो कीट इसमें लगते हैं, और इसको नियंत्रण करने के लिए आप देखेंगे माहू कीट करीब 37 से 50% के आसपास जो है आपका नुकसान करता है और 5 से 10% जो है तेल की मात्रा कम करता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए औसतन कम से कम आपको खेत में 25 कीट दिखाई दें या 10% के आसपास अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसके लिए कोई भी कीटनाशक दवा आप लेके, जैसे कि आप इमिडाक्लोप्रिड है 1 ML प्रति लीटर के हिसाब से, तो कीट का नियंत्रण आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो डायमेथ्रेट एक आती है 30 EC की, आप इसको 250 ml प्रति हेक्टर की दर से जो है 600 से 800 लीटर पानी में मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि सरसों की फसल में आप देखेंगे जिस समय जो है आपका जो है कोहरा होता है उस समय माहू का अटैक होता है। और आपको ये भी बता दें किसान भाई प्रैक्टिकली अगर आपको संभव तो देखिएगा
सरसों की खेत में अगर चींटी आ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि माहों का प्रकोप होने वाला है, और चने की फसल में या दलहनी फसल में अगर चिड़िया आपके खेत में पॉड जब बनते समय बैठ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि पॉड बोरर का अटैक होने वाला है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि एक NPB नामक दवा आती है, 250 से 350 लार्वा तुल्य प्रति हेक्टर के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं 500 से 600 लीटर मिला में। और इसके साथ साथ आपका जो है जो भी कीटनाशक है, इमिडाक्लोपीड है, क्लोरोपाइरीफास है, मोनोक्रोटोफास है, आप इसका भी प्रयोग जो है उसमें फली छेदक के रूप में कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपको जो है एक इसमें सरसों में आप देखेंगे एक आता है सफ़ेद रतुआ अल्टरनेरिया जिसको काला धब्बा के देखते हैं, तो इसको नियंत्रण करने के लिए 0.2% का डाइथेन M45 या मैंकोजेब का जो है या रिडोमिल इसका छिड़काव आप कर सकते हैं, तो इससे आपको जो है नियंत्रण अच्छा मिलेगा। जैसा कि किसान भाई आपको जो मैंने बताया है, अगर इसका आप भरपूर प्रयोग करते हैं तो आपके फसल को जो है अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा।